Hello, welcome to you all in my channel Mechanical Engineering Concept. In this lecture I am going to discuss about design of shaft with respect to the one numerical. इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की जो कि डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट से रिलेटेड है. द क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज द रोटेटिंग शाफ्ट 40 mm इन डायमीटर इज मेड अप ऑफ स्टील एफ ए आयरन ई एस वाई टी विच इज़ हैविंग एस वाई टी ऑफ 580 न्यूटन पर स्क्वायर. इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ स्टडी टॉर्शनल मोमेंट ऑफ 250 न्यूटन मीटर एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 1250 न्यूटन मीटर. कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी. यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोटेटिंग शाफ्ट है जिसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 40 mm, जो कि शाफ्ट बना हुआ है स्टील से जिसकी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है हमें 580 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ये शाफ्ट जो है सब्जेक्टेड किया गया है, शाफ्ट को सब्जेक्ट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द टॉर्शन मोमेंट. इस शाफ्ट में टॉर्शन मोमेंट लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 250 न्यूटन मीटर है और बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 1250 न्यूटन मीटर, जो कि बेंडिंग मोमेंट इस पर लग रहा है शाफ्ट पे. तो जब इस शाफ्ट पे टॉर्शनल मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट लगता है तो उस कंडीशन पे आपको बताना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू यूजिंग टू थ्योरीज ऑफ फेलियर. फर्स्ट वन इज़ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज़ करनी है जिसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं. सेकेंड यूज़ करना है आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जिसको हम बोलते हैं गेस्ट एंड ट्रेस का थ्योरी. इन दोनों थ्योरीज़ का यूज़ करके हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट लेट मी राइट वॉट इज़ द गिवन डेटा. गिवन इज डेटा इज टू अस इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट. कंसिडर डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज स्मॉल डी. हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट की वैल्यू ज़ूम कर रहे हैं दे रहे हैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट को शो कर रहे हैं स्मॉल डी से, जिसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है 40 mm. ओके, साथ में दिया हुआ है एंड अदर थिंग इज गिवन टू अस इज एस वाई टी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ 580 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ओके, 580 न्यूटन पर एम स्क्वायर यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है. बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शनल मोमेंट की वैल्यू दी हुई है. तो लेट अस कंसिडर टॉर्शनल मोमेंट एज अ एम स्मॉल टी. टॉर्शनल मोमेंट इज इक्वल टू 250 न्यूटन मीटर एंड द बेंडिंग मोमेंट एम बी टेक इट एज अ सिंबॉल एंड विच इज गिवन टू अस इज 1250 न्यूटन मीटर. बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दी हुई है, टॉर्शनल मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 250 और 1250 न्यूटन मीटर. यहाँ पर हमें डायमीटर जो है mm में दिया हुआ है, स्ट्रेंथ mm में दिया हुआ है तो, और मोमेंट जो है मीटर में दिया हुआ है. तो यूनिट को पहले सिंप्लीफाई करना होगा. फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई आवर यूनिट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, सिमिलर स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें यूनिट्स को एक फॉर्म में लाना होगा, या तो हमें मोमेंट और टॉर्क को mm में रखना होगा न्यूटन mm में, या तो हमें डायमीटर को चेंज करना होगा मीटर में, ताकि जब हम वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो हमें डायरेक्ट सिंप्लीफाइड वे में मिल जाए, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज बोथ द यूनिट. वी कैन सिंप्लीफाई अवर डायमीटर इनटू मीटर एंड यील्ड टेंसाइल इनटू मीटर, और वी कैन सिंपली चेंज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ टॉर्शनल एंड बेंडिंग इनटू एमएम. सो अगर हम 250 न्यूटन मीटर को 250 न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर को अगर हम न्यूटन एमएम में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. मैं सिंप्लीफाई करके चल रहा हूँ क्योंकि डायमीटर ऑफ शाफ्ट बेसिकली शो किया जाता है एमएम में, तो एमएम को ये स्टैंडर्ड कंसिडरेशन लेते हुए हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से. सो 250 वी कैन राइट दिस 250 न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन एमएम, 250 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन एमएम. ओके, और बेंडिंग मोमेंट वी कैन राइट इट एज 1250 न्यूटन 10 टू पावर 3 न्यूटन एमएम. हमने यहाँ पर 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई करके मीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लिया. ओके,
क्योंकि न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर इज 10^3 मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन में होता, न्यूटन पर मीटर होता, तो हमें 10^3 डिवाइड करना होता है इसमें, ठीक है। नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी, जिसे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी थ्योरीज ऑफ फेलियर में, इलास्टिक फेलियर में। वॉट इज द फॉर्मूला? इज दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन, इफ द कॉम्पोनेंट इज हैविंग द लोड एंड द कॉम्पोनेंट विल फेल वेन द प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनटू द कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डायमेंशन कैलकुलेशन। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है कॉम्पोनेंट, तो हमारा कॉम्पोनेंट फेल कर जाएगा। तो ये फेलियर क्राइटेरिया हमें मालूम है। सो यहाँ मुझे निकालना क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस वाई टी दिया हुआ है। अगर मैं सिग्मा वन निकाल लूँ, देन वी कैन ईजिली बीन एबल टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट सिग्मा वन। वॉट इज द सिग्मा वन? क्या फार्मूला है सिग्मा वन का? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू इन ब्रैकेट प्लस इन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। टाउ एक्स वाई स्क्वायर, जहां पर सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई क्या है, टाउ एक्स वाई क्या है। सपोज ये कॉम्पोनेंट है, इसे मुझे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो सिग्मा एक्स एक्स एक्सिस पे लगा इंड्यूस होने वाला स्ट्रेस है, सिग्मा वाई वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, टाउ एक्स वाई जो है प्लेन पे स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। ओके, सो हियर वी नो द वैल्यू ऑफ ओनली इन एक्स एक्सिस। यहाँ हमारे पास सिग्मा वन निकालने के लिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मालूम रहना चाहिए, टाउ एक्स वाई, ठीक है। सो क्या होता है सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्योंकि हमें प्रॉब्लम में मोमेंट दिया हुआ है टॉर्शनल और बेंडिंग, अगर हम यूज़ करें फर्स्ट मोमेंट इक्वेशन, क्योंकि मुझे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना है, टाउ एक्स वाई निकालना है, तो अगर मोमेंट इक्वेशन में यूज़ करता हूँ, इफ़ यू यूज़ द मोमेंट इक्वेशन, व्हाट इज़ द मोमेंट इक्वेशन? एम अपॉन आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर। हियर वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ मोमेंट, वी नीड टू कैलकुलेट स्ट्रेस सिग्मा। ओके, इफ वी आर नो द क्रॉस सेक्शन एरिया, देन वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आई एंड वाई। मोमेंट इक्वेशन क्या बोलता है? मोमेंट अपॉन इनर्शिया इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम अपर टू द अपर फाइबर और लोअर फाइबर। हमें ई बाई आर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे मोमेंट इक्वेशन पे सिग्मा निकालने के लिए, बिकॉज हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना है। या तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी या तो सिग्मा वाई की वैल्यू आएगी। क्यों सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई सिर्फ आएगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मोमेंट लग रहा है, वो या तो एक्स के अबाउट लगेगा या तो वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा, मतलब इस तरह से, या तो इस तरह लगेगा या तो जस्ट उल्टा इसके लगेगा, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट लगेगा और या तो वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा, दोनों के अबाउट नहीं लग सकता। तो या तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी या तो सिग्मा वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम वाई बाई आई। हमें मालूम है कि क्रॉस सेक्शन किस तरह का है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए इनर्शिया आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 डी टू पावर 4, और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? डी बाई 2। वी नो द इनर्शिया फार्मूला फॉर द सर्कुलर शाफ्ट सेक्शन, फॉर सर्कुलर सेक्शन वी नो द फॉर्मूला फॉर इनर्शिया आई इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी टू पावर 4, बिकॉज हियर वी हैव अ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सर्कुलर सेक्शन इज डी स्मॉल डी एंड द लाइक दिस
This is the dia of the shaft, and the y is the distance from neutral axis to upper fiber or lower fiber से distance होता है, ठीक है? So अगर मैं put करता हूँ तो sigma का equation क्या बनेगा? M y की value d by 2, i की value pi by 64 d to power 4, ये cancel होके क्या बचेगा? 32, यहाँ से ये d cancel हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? d to power 3, okay? So sigma का formula क्या बन जाएगा? 32 m b, because यहाँ पर ये condition में ले रहा हूँ moment का equation के लिए, तो ये m क्या हो जाएगा? Moment की value है ना, bending moment की value divide by pi d to power 3, ये हो जाएगी value for sigma, या तो sigma x और sigma y की value, दोनों नहीं हो सकता, because यहाँ पर सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट जनरेट होगा. सिग्मा एक्स मैंने निकाल लिया, तो क्योंकि मुझे मोमेंट मालूम है इसलिए मैंने इस इक्वेशन का यूज़ किया, ताकि मैं डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर सकूँ, ठीक है? डायमीटर पुट करके निकाल सकूँ, मुझे डायमीटर और मोमेंट दोनों मालूम है, तो डायमीटर और मोमेंट की वैल्यू पुट करके मैं आसानी से निकाल सकता हूँ. तो ये इक्वेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ. फर्दर अगर मैं यूज़ करता हूँ नेक्स्ट टॉर्शनल इक्वेशन, टॉर्शन का इक्वेशन क्या बोलता है? T upon J, torque upon polar moment of inertia, tau by R is equal to G theta by L. हमें निकालना है shear stress tau to calculate maximum principal stress. Sigma 1 निकालने के लिए tau की भी ज़रूरत है, sigma हमने निकाल लिया है, tau हमें निकालना है. तो tau के relation के लिए हमें torque मालूम रहना चाहिए. torque या तो बोल सकते हैं simplify, या इसको MT भी लिखा सकता है, मोमेंट रिलेटेड टू द टॉर्क, टॉर्शनल मोमेंट. जी थीटा वाई एल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जी थीटा और एल हमें नहीं मालूम है. तो टाउ अगर मुझे निकाला तो टाउ का सिंप्लीफाइड रिलेशन क्या निकल जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम इन टू आर, और वी कैन से स्मॉल आर, बिकॉज हियर आई एम कंसिडरिंग स्मॉल डी एज अ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, सो स्मॉल आर विल बी द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, स्मॉल आर टेक बाई जे, ओके? एम R बाई जे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टाउ का. अगर मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ तो एम टी लिख सकता हूँ यहाँ पर इस M को, बिकॉज टॉर्शनल मोमेंट है जिसके कारण शेयर स्ट्रेस आ रहा है. स्मॉल R क्या हो जाएगा? स्मॉल d बाई टू लिख सकता हूँ. J क्या होता है? पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 32 इंटू डी टू पावर 4. J क्या होता है? पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसकी वैल्यू होती है पाई बाई 32 डी टू पावर 4, और स्मॉल आर लिखते हैं हम डी बाई 2 के इक्वल, क्योंकि डी जो होता है 2 टाइम्स होता है स्मॉल आर के. तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ. अगर यहाँ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते तो 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 16 एम टी बाई पाई डी क्यूब. टाउ भी निकल गया क्योंकि मुझे टाउ की ज़रूरत थी. एम टी आपको मालूम है, डी आपको मालूम है, तो टाउ की वैल्यू वहाँ निकाल सकते हैं. तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सिग्मा और टाउ की वैल्यू पुट कर देता हूँ हमारे इक्वेशन में, जो कि सिग्मा वन का दिया था. सिग्मा वन का क्या इक्वेशन था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की थ्योरी है इसलिए पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर. या तो सिग्मा एक्स या तो सिग्मा वाई जीरो होगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ मेरा ये शाफ्ट कुछ इस तरह का है, इस तरह एक शाफ्ट दिया हुआ है जिसमें एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है इस तरह से एम बी, और ट्विस्टिंग मोमेंट भी कुछ इस तरह से लग रहा है एम टी. तो एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो वाई के अबाउट जीरो हो जाएगी वैल्यू. तो वाई को जीरो ले लेता हूँ, वाई को यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर. या तो सिग्मा लिख सकते हैं, मैं कंसिडर कर लेता हूँ जो हमने निकाला है मोमेंट का इक्वेशन यूज करके सिग्मा, वो सिग्मा एक्स है, मैं मान लेता हूँ सिग्मा वाई नहीं सिग्मा एक्स है, ठीक है? आसान करने के लिए तो सिग्मा एक्स क्या आया? सिग्मा एक्स की वैल्यू आई आपकी 32 एम बी बाई
पाई डी क्यू, ठीक है, इसको पूरे का डिवाइड बाय टू है आपका है, प्लस स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स था 32 mv बाय पाई डी क्यूब डिवाइड बाय टू का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन से आ चुकी है, मोमेंट के इक्वेशन से, और सर्कुलर सेक्शन टाउ एक्स वाई कितना आया, टाउ की वैल्यू कितनी है 16 mt, टॉर्शनल इक्वेशन इस टॉर्शन का इक्वेशन इसलिए mt ले रहा है यहाँ पर, पाई डी टू पावर थ्री का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारा रिलेशन क्या निकलेगा, ये टू ऊपर जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैंसिल होकर बचेंगे 16 mb डिवाइड बाय पाई डी क्यू प्लस इन स्क्वायर रूट 16 mb बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस 16 mt बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर। 16 बाय पाई डी क्यूब दोनों तरफ से बाहर लेकर कॉमन ले सकता हूँ, ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ से भी अगर लेता हूँ तो 16 बाय पाई डी क्यूब मैं पूरा इक्वेशन से बाहर ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या mb प्लस स्क्वायर रूट ऑफ mb प्लस mt, इन दोनों का स्क्वायर रहेगा सेपरेटली। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है इस तरह से सिंप्लीफाई करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अ सिंप्लीफाइड वे लाइक दिस, इफ़ वी टेक अ कॉमन 16 पाई डी क्यूब फ्रॉम बोथ द एंड, बिकॉज यहाँ पर हमारे स्क्वायर दिया हुआ है तो ये बाहर आएगा, पूरे इक्वेशन से 16 बाई पाई डी क्यूब टोटल बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या mb, इधर इधर mb बचेगा, mb का स्क्वायर, इधर mt का स्क्वायर बचेगा, ये बाहर नहीं आ सकते, कॉमन नहीं ले सकते। हमें मालूम है d की वैल्यू mb mt, तो पुट कर देते हैं, सिग्मा वन निकल जाएगा, ताकि सिग्मा वन की वैल्यू हम पिंकाइन थ्योरी पे यूज़ कर सकें। सो सिग्मा वन इज इक्वल टू 16 पाई, डी की वैल्यू 40 दी हुई है, 40 क्यूब इंटू इन ब्रैकेट mb की वैल्यू दी हुई है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 1250 इंटू 10 to the power 3 प्लस इन स्क्वायर रूट mb है 1250 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर न्यूटन मीटर, न्यूटन mm सॉरी, प्लस टॉर्शन की वैल्यू दी हुई, टॉर्शनल मोमेंट की वैल्यू दी हुई 250 न्यूटन मीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया 250 न्यूटन mm में मल्टीप्लाइड बाई 10 करके, ओके, इसे 10 to the power 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू द आवर कैलकुलेटर टू सॉल्व और टू calculate the what is the final result. So 16 divided by pi into 40 to power 3 into in bracket we have a value of 1250 into 10 to the power of 3 plus square root in bracket take 1250 into 1250 into 10 to the power of 3 plus 1250 into 10 to the power 3 bracket close chi square plus open bracket take a bracket 1250 into 10 to the power of 3 bracket close chi square मेन ब्रैकेट क्लोज, ओके, सॉल्व, द वैल्यू विल बी कम आउट एज सिग्मा वन इक्वल टू 200
0.91 36095 approximately in newton per एम एम स्क्वायर. क्यों न्यूटन मीटर न्यूटन पर एम स्क्वायर में आया? क्योंकि डाया जो है एम एम में है, ये यूनिट आपने पुट की न्यूटन एम एम में, तो अपना वैल्यू आ जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में. सॉरी, इस तरह से सिग्मा वन आ गया. सो नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू अवर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. Sigma 1 is equal to, we know SYT by FOS. We need to calculate FOS. So FOS can be calculated by SYT by F Sigma 1. SYT kitna tha? 580 Newton per m square divided by Sigma 1 at 200.91 36095 in Newton per m square. Okay. अगर हम सॉल्व करते हैं तो 580 डिवाइड बाय आंसर विल बी कम आउट एज 2. फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आएगा हमारा 2.886812 विल बी अवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये यूनिटलेस होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें मालूम है. और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों हमने मोमेंट और टॉर्क जो हमें न्यूटन मीटर में दिया था एमएम में चेंज किया, क्योंकि अगर हम उसे चेंज नहीं करते तो यहाँ यूनिट सिग्मा वन की नहीं आएगी ऐसी. और एस वाई टी आपको न्यूटन पर एम स्क्वायर में दिया है, इसलिए आपको सिग्मा वन भी न्यूटन पर एम स्क्वायर में निकालना पड़ेगा. या तो फिर सिग्मा वन आप निकालिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और एस वाई टी को चेंज कर दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो भी वैल्यू आपकी यही आएगी फाइनली सिंप्लीफाई करने से. ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. नाउ लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सेकेंड थ्योरी. व्हाट इज द सेकेंड थ्योरी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, विच इज ऑल्सो नोन एज गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस एंड दिस थ्योरीज इन डिटेल. ओके, इस थ्योरी के बारे में, सारी थ्योरीज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि हम फैक्टर सेफ्टी लेते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इन इक्वेशन का, डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट द फिजिबल रीजन, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री रीजन. ओके, सो वी नो द शेयर स्ट्रेस इक्वेशन, टाउ मैक्स इक्वेशन. टाउ मैक्स इज इक्वल टू एस एस वाई डिवाइड बाई एफ ओ एस इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. वट इज द मीनिंग ऑफ दैट इक्वेशन? इट मीन्स इफ द स्ट्रेस इंड्यूस्ड, शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द कॉम्पोनेंट, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ, यील्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट, देन कॉम्पोनेंट फेल. इसको सिंप्लीफाई वे में दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी डिवाइड बाई एफ ओ एस. ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि एस एस वाई जो है हमने डिराइव किया हुआ है 0.5 टाइम्स ऑफ एस 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 वाई टी की होता है, या एस वाई टी का हाफ होता है. ठीक है, सो नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टर सेफ्टी. सो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या हमारा बना? 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी डिवाइड बाई एफ एस. ये फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी. हमें निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमें मालूम है एस वाई टी. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या बनेगा? 0.5 टाइम्स ऑफ एस वाई टी डिवाइड बाई टाउ मैक्स. अगर मैं टाउ मैक्स निकाल लूँ, एस वाई टी मुझे मालूम है, देन वी कैन ईजिली बीन एबल टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे टाउ मैक्स? क्योंकि मुझे मालूम है टाउ मैक्स का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का जो प्लस के बाद का साइन होता है, प्लस के बाद की जो वैल्यू होती है क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर. ये फार्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड, ये इक्वेशन है. हमें मालूम है कि
प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही मोमेंट दिया हुआ है, एक ही बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, तो या तो सिग्मा एक्स होगा या तो सिग्मा वाई होगा। मैंने सिग्मा एक्स को माना है तो सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा। सिग्मा एक्स हम निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 32 MB डिवाइड बाई पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 2 आएगा, इसका डिवाइड बाई 2 ये वाला का स्क्वायर, सभी चीज़ स्क्वायर रूट में अंदर में है। प्लस टाउ की वैल्यू कितनी निकली थी, टाउ एक्स वाई जिसको हम टाउ लेके चल रहे हैं यहाँ पर, शेयर स्ट्रेस जो कि इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेस, टॉर्शनल मोमेंट, ओके, विच इज 16 MT बाई पाई डी क्यूब का स्क्वायर। इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं देन अवर वैल्यू विल बी कम आउट एज 16 MB बाय पाई डी क्यूब, क्योंकि ये 2 और ये 32 कैंसिल हो गया 16 बस बचेगा, का स्क्वायर प्लस 16 MT बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर। अगेन 16 बाय पाई डी क्यूब हम बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट के, तो बचेगा क्या, MB का स्क्वायर प्लस MT का स्क्वायर, और कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन ये काम हम कर सकते हैं, ओके। सो टाउ मैक्स की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके MB बचेगा MB स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर इंटू 16 पाई डी क्यूब। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ MB एंड MT इंटू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर MB और MT की वैल्यू पुट करते हैं देन टाउ मैक्स विल बी कम आउट एज 16, D की वैल्यू गिवन है आपको 40 क्यूब इंटू MB, बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 1250 इंटू 10^3 न्यूटन MM का स्क्वायर, प्लस MT है 250 इंटू 10^3 का स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, 16 इंटू पाई डी इज गोइंग टू 40 क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ब्रैकेट इन ब्रैकेट 1250 इंटू 10^3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 250 इंटू 10^3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर मेन ब्रैकेट, अप्लाई मेन ब्रैकेट हियर आल्सो फॉर सिंप्लीफिकेशन, ओके। वैल्यू विल बी कम आउट एज टाउ मैक्स 101, टाउ मैक्स विल बी कम आउट एज 101.41, सॉरी 44177 441701 विल बी अवर वैल्यू इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। सो FOS कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, टाउ मैक्स हमने निकाल लिया, सिग्मा वाई टी अपने को दिया हुआ है 0.5, SYT है 580, ओके, टाउ मैक्स निकला 101.4417701, पुट करते हैं तो 0.5 टाइम्स ऑफ SYT 580 गिवन टू अस डिवाइड बाय आंसर इज इक्वल टू 2.8782 will be our factor of safety in case of maximum shear stress। तो इस तरीके से हम factor of safety निकाल सकते हैं maximum shear stress theory का use करके और maximum principal stress theory का use करके, इसी तरह से बाकी theories का use करके हम diameter of shaft की condition के लिए with respect to the
मोमेंट एंड टॉर्क शाफ्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इसी प्रॉब्लम को आपको पूछ सकता है दूसरे तरीके से कि आपको निकालना है डायमीटर ऑफ शाफ्ट और शाफ्ट के डायमीटर की जगह आपको फैक्टर सेफ्टी गिवन दे दे। फैक्टर सेफ्टी अगर दे देता है और डायमीटर शाफ्ट निकालने बोलता है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस आपको फैक्टर सेफ्टी की वैल्यू पुट करके डायमीटर शाफ्ट निकालना रहेगा। ओके, ये प्रॉब्लम अनसॉल्व प्रॉब्लम वीवी भंडारी का, आप इसे रेफर कर सकते हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम वीवी भंडारी का डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के चैप्टर से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस न्यूमेरिकल विच इज़ रिलेटेड टू द इलास्टिक फेलियर विच वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। हमने पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया थ्योरीज के बारे में। मुझे यकीन है कि आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिससे आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन और शार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। इन अपकमिंग लेक्चर्स आई एम गोइंग टू सॉल्व सम बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द शार्ट ऑल्सो, इन विच वी कंसिडर द बेल्ट एंड गियर माउंटेड इन टू द शार्ट बाई विच लोड इज एक्टिंग ऑन द शार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे शार्ट के डिज़ाइन के बारे में और फर्दर, जिसमें हम जब शाफ्ट के ऊपर गियर या पुली या बेल्ट माउंटेड रहता है देन जो उसके थ्रू लोड एक्ट करता है शाफ्ट पे, तो शाफ्ट का डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है, शाफ्ट के डायमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या सेफ डायमीटर कैसे निकाला जा सकता है शाफ्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे अपकमिंग पिक्चर्स में। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट बिलो दिस बिलो दिस वीडियो। कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के बिलो में कमेंट बॉक्स पे, और अगर कोई क्वेरी है या कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ गिव मी अ सजेशन, जिससे मैं अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर कोई लगता है सजेशन आपको कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर समझना है, न्यूमेरिकल है, कोई डाउट है, तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।